मुफ्ती तारिक मसूद स्पेशल। तो मैं यस कर रहा, जल्दी बात को समेटता हूँ। इंसान जहनी तौर पर पाबंदियों को कबूल नहीं करता, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। हमें देखना चाहिए देयर आर टू टाइप्स ऑफ पाबंदियां। पाबंदियों की कितनी किस्में हैं? बोलते क्यों नहीं, दो किस्में। एक पाबंदियां वो होती हैं जो हमारे फ़ायदे के लिए हैं, हमें इंसान बनाने के लिए, हमें रूहानी सुकून देने के लिए, और एक पाबंदियाँ बेजा पाबंदियाँ होती हैं जिनकी कोई लॉजिक नहीं होती। आप बेगम को बोल रहे हो आटा गूंथते हुए, हिल क्यों रही है, रुक के आटा गूंथ, सिर्फ हाथ चलने चाहिए, बॉडी नहीं चलनी चाहिए, ये इसकी अलामत है। आप साइकी हैं, आप क्या हो गए हैं, नफ्सियात। सांसें भी इस किस्म की बिला वजह की पाबंदियाँ लगा रही होती हैं, बाज़ सांसें जो मेरा बयान नहीं सुन रही। तो बाज़ लोगों को होता है खामखा की बिला वजह की पाबंदियाँ लगा जाओगी, खामखा की फजूल की बातें। तो ऐसी पाबंदियाँ ये इंसान को, इंसान की मेंटल ग्रोथ को कम कर देती हैं। जो घुटन के माहौल में बच्चे रहते हैं उनका जहनी लेवल ऊंचा, बोलो ना, नहीं होता। तो बच्चों को, घर वालों को, अपने मातहतों को इन चीज़ों में हमें आज़ादी देनी चाहिए, खामखा की पाबंदियाँ नहीं लगानी चाहिए। कुछ पाबंदियाँ ऐसी होती हैं कि अगर उसमें लोगों को आज़ाद छोड़ दें तो वह इंसान कम और दरिंदे ज़्यादा बन जाते हैं। देखो अमेरिका में आज़ादी है, शराब भी पियो जो मर्ज़ी करो, तो आपका क्या ख्याल है इसके कोई अच्छे असरात पड़ रहे हैं? उन मुल्कों में इतनी सख्त कानूनी पाबंदियों के बावजूद जो एक्सीडेंट होते हैं ज़्यादातर नशे की वजह से होते हैं, डिप्रेशन की बीमारियाँ, टेंशन की बीमारियाँ, इसलिए कि इस्लाम ने जो पाबंदियाँ लगाई हैं वो उसको भी एक्सेप्ट नहीं कर रहे। तो आपके अब्बा ने अगर आप पर पाबंदियाँ लगाई हुई हैं कि इतनी देर से क्यों आ रहा है, तो ये पाबंदी आपको ख़राब करने के लिए नहीं बल्कि आपको बनाने, कुछ दिन बर्दाश्त कर लो। एक साहब से मैंने कहा, यार अब्बा की कुछ दिन बर्दाश्त कर ले, अब्बा ने हमेशा ज़िंदा नहीं रहना है, कुछ दिन बर्दाश्त कर ले, इस पाबंदी का कम से कम इतना फ़ायदा ज़रूर होगा कि तेरे बच्चे भी तेरी पाबंदियों को बर्दाश्त करेंगे। जब बच्चे देखेंगे ना हमारा अब्बा अपने अब्बा की इतनी बर्दाश्त कर रहा है तो वो भी करेंगे, और अगर बच्चों ने देख लिया हमारा अब्बा अपने अब्बा की नहीं सुनता तो वो दो हाथ आगे जाएंगे तुमसे, क्योंकि अगली नस्ल हर चीज़ में मॉडर्न है, वो जहाँ छोड़ के जा रहे हैं उससे दो हाथ आगे जाएगी। बीवी पे जो पाबंदियाँ लगाई जाती हैं, एक तो बेजा पाबंदी हैं, कुछ सही सच्ची मुच्ची की अच्छी पाबंदियाँ हैं, इसमें औरत का फ़ायदा है, इसमें औरत का फ़ायदा, उसकी उसकी सोच, उसकी फिक्रें मुर्तकिज़ रहेंगी एक तरफ। कुछ वाक़यात सुनाने का दिल नहीं चाहता, इससे मुआशरे में नेगेटिविटी भी फैलती है, फैल सकती है, वसवसे भी आ सकते हैं, लेकिन ये देखा जाता है कि साइड इफ़ेक्ट ज़्यादा हैं या फ़ायदे ज़्यादा हैं। ये लिबरल लोग अपनी बीवियों को बिल्कुल आज़ाद रखते हैं, क्या रखते हैं, बिल्कुल आज़ाद। अगर उसने हंस के उससे बात कर ली, अगर उसने हंस से उसकी क्या हो गया, एक्चुअली कुछ भी नहीं है, तो ठीक है, हम नहीं कह रहे कि आप उस पर शक करें, लेकिन जब इन पे पड़ती है ना तो ये भुगतते बहुत हैं, फिर ये रोते हुए आते हैं, ये क्या हो गया, ये भाई मजहबी लोग तो नहीं फ्री होने देते ना, भाई ये तुम्हारा क्या लगता है, बेगम इससे इतना फ्री हो रही हो हंस हंस के बाद, ये कोई कुछ लगता है ठीक है, लगता है तो बता दो। तो कहेगी आप मुझ पे शक करते हो, भाई मैं शक नहीं करता, लेकिन हमारे ख़ानदानों में ये रिवाज नहीं, बात ख़त्म। लेकिन जहाँ ज़्यादा आज़ादियाँ देंगे, मैं नहीं कह रहा सारे ख़राब होते हैं, हो सकते हैं। हमारे एक दोस्त ने कुछ दिन पहले अपने सफ़र का वाक़या सुनाया, उनको तो मैंने तंबी की आप क्यों टिकटिकी बांध के देख रहे थे। हुआ ये कि अब ये वाक़या सुनाते हुए डर भी लग रहा है कि इससे मनफी सोच भी फैल सकती है, और खामखा में आप अपनी घरवाली पे शक ना करना शुरू कर देना, जो मैंने कुरान की आयत पढ़ी है ना उसमें यही है कि बदगुमान मत हो। खामखा में वसवसा जो वहम और शक के मरीज़ होते हैं ना, वो कभी भी घर नहीं बसा सकते। लेकिन सिर्फ इसके एक पहलू को बयान करना मकसद है। वो साहब कह रहे हैं मैं सफ़र कर रहा हूँ, बीच में एक साहब बैठे हुए ज़रा एजड थे, उनके साथ उनकी वाइफ बैठी हुई बिल्कुल यंग। अब ये उनका कसूर है कि इतनी तफसील से देख क्यों रहे थे, ये मेरा कसूर नहीं। उनको तो मैंने तंबी कर दी, भाई इतनी डिटेल में किसी को क्यों देख रहे हो, बिल्कुल यंग और बिल्कुल, कह रहे बिल्कुल लिबरल सी खातून, अधूरे लिबास पहना हुआ है उन्होंने, तो मॉडर्न के हमें पाबंदी नहीं, हमारे मियाँ कितने अच्छे हैं ऐसे मॉडर्न तरीके से लेके जा रहे हैं, कोई बाल वाल खुले हुए हैं, बिल्कुल फ्री स्टाइल। अब फ्री स्टाइल अभी देखो हो गया रहा है इस फ्री स्टाइल का, मियाँ साहब को पता ही नहीं है कि मेरी बेगम फ्री स्टाइल में कहाँ कहाँ
किस किस से फ्री हो रही हैं। तो कह रहे हैं वो बीच में बैठे हुए इधर ये, और इसके मियां साहब के लेफ्ट साइड पे बड़ा एक हैंडसम स्मार्ट लड़का छड़ा छाट बैठा हुआ है। अब मियां को और उस छड़े को खड़ा करो तो कोई भी उस कहेगा कि ये इसके टक्कर का ये मियां जो है ना इस लेवल का आदमी, इस मॉडर्न और खूबसूरत लड़की के लेवल का ये छड़ा तो है, ये बीच में कबाब में हड्डी पता नहीं कहां से आ गया, जाहिर में ऐसा लग रहा है। तो कह रहे हैं कि मैं देख रहा हूं कि ये छड़ा उस छड़ी की तरफ माइल हो रहा है, फुल झड़ी की तरफ माइल हो रहा है। दरमियान में चूंकि शौहर बैठा हुआ है तो जाहिर है अब इतने भी लिबरल नहीं है कि वो उठ के आ जाए कि चल भाई तू बैठ जाए यहां पे। अल्लाह का शुक्र है अभी इतना लिबरल पना हमारे मुआशरे में नहीं आया। मियां साहब मॉडर्न बैठे हुए हैं भाई, कह रहे हैं दरमियान में क्या हुआ है, मियां साहब को वॉशरूम का तकाजा हुआ, वो उठ के गए हैं, नंबरों का तबादला। कह रहे हैं ऐसा लग रहा था जाने का इंतजार कर रहे थे। आप कह सकते हैं भाई शक क्यों कर, अव्वल तो ये इनकी ये गलत हरकत है, ये हरकतें बोलो लेकिन ये इन्होंने की हैं, मैंने नहीं की है, ये गलत हरकतें, किसी को देखना कौन किससे नंबर ले रहा है दे रहा, भाई अपने काम से काम रखो, भाड़ में जाए वो जो मर्जी करें, ये तो वैसे भी तजस्सुस में आता है ना। तो उन्होंने तो गलत किया लेकिन बहरहाल इससे जो सबक मिला वो तो मैं बताना, मेरे लिए बताना ज़रूरी है। तो कह रहे नंबरों का क्या हो गया आपस में तबादला, जैसे ही वो मियां वॉशरूम से एकदम फिर घुन्ने बन के बैठ गए, जैसे एक दूसरे को जानते ही नहीं है। तो मैंने कहा ये लिबरल पने का मजा उड़ा रहे हैं, अब इसको थोड़े दिनों में मियां को पता चल जाएगा कि जो बेगम को हमने इतनी आज़ादी दी हुई है, बुरके की पाबंदियों से आज़ाद किया हुआ है, ये भुगतेगा थोड़े दिनों में। अभी ये मोहतरमा देखो, अगर वो खातून गलत नहीं है तो अपने शौहर के सामने नंबर ले लेना उससे, एक्सक्यूज़ मी आप से मुझे कोई काम है, सुना है आप डॉक्टर हैं आप ये हैं मैंने, तो ठीक है भाई उसके सामने लेना। ये जो छप्पड़ में काम हो रहा है इसका मतलब ये नीयतें ठीक नहीं है। अब उस लिबरल आदमी को कोई मेरी तकरीर सुनाए कि बेगम को बुरका पहनाना चाहिए, वो कहेगा ये मौलवी कौन से जमाने के लोग हैं, पुराने अंग्रेज को देखो बिल्कुल मॉडर्न आजाद। लेकिन जब किसी दिन जब ये और इस तरह की खवातीन अपने मियाँ को नचोड़ रही होती हैं, फिलहाल अभी थोड़ा सा बाकी है, ये पूरा ख़त्म नहीं हुआ है, इसको नचोड़ो, इससे पूरी दौलत निकालो, सारे हकूक लो, और छप्पड़ में स्पेयर टायर के तौर पर वो वाला भी हमने रखा हुआ है, जैसे गाड़ी में एक स्पेयर टायर होता है ना, ये पड़ गया तो एक और है ना। तो ये मियाँ से किसी दिन अनबन हो गई, इसका इसने हमारा मुतालबा पूरा नहीं किया, किसी दिन हमारा मीटर घूम गया, तो ये फ़ौरन अदालत से जाके खुला लेगी, क्योंकि इसके पास पहले से स्पेयर में एक टायर मौजूद, इसको इस टायर के फटने का गम नहीं है। जिसके पास स्पेयर में टायर नहीं होते वो तो कहते हैं भाई फटा हुआ है या जुड़ा हुआ है, इसी को रिपेयर करा के इसी को चलाते रहो, यही होगा ना। अरे आपके पास टायर ही फट गया और कोई नया टायर नहीं है तो आप उसी को रिपेयर कराओगे ना, दूसरा तो ऑप्शन ही नहीं है। तो जब औरत के पास मजीद भी 8-10 ऑप्शन, और जब जो खातून इस तरह कर रही है इसका मतलब एक के साथ नहीं कर रही, उसको जहाँ कोई मुनासिब सा पीस नज़र आता है वो उससे कॉन्टेक्ट कर लेती हूँ। तो उनके पास स्पेयर में बहुत सारे टायर रखे हुए हैं, एक टायर नहीं है, इस टायर के पंचर होने का इंतज़ार हो रहा है। जब इस टायर में हवा निकली थोड़ा सा भी पंचर हुआ, सिर्फ उसकी आवाज़ आई ज़रा सी तो फिर ये लिबरल साहब कहेंगे यार ये मौलाना लोग सही कहते हैं, भाई बेगम को क्या कराना चाहिए, पर्दा कर। अगर ये पर्दा होता ना तो फिर इतना, फिर भी वाकयात होते हैं लेकिन रेशो कम होता है। अगला भी सोच रहा होता है यार बुरके में है तो ये डिजाइन, अव्वल तो उसको क्या पता ये है अंदर माल क्या है अंदर है क्या? उसको क्या पता चलेगा। वो मैं अक्सर वाकया बताता हूँ ना, एक साहब सफर पे जा रहे थे, बस ये वाकया बयान करके बता के बयान ख़त्म करता हूँ। एक साहब सफर पे जा रहे थे तो एक खातून, ये सच्चा वाकया है, खातून बैठी हुई है आंखें खुली हुई है सिर्फ उनकी, पूरा जिस्म बुरके से ढका हुआ। अब आंखें तो बास बूढ़ी औरतों की भी बड़ी अट्रैक्शन होती है उसमें, इनको नहीं पता था क्या है, तो ये फ्री होने लगे उनसे, ये खुद बता रहे हैं वाकया। तो खिदमत कर रहे हैं कहाँ, बार बार पानी ला के दे रहे हैं और खुशकिस्मत समझ रहे हैं अपने आप को कि मुझे सामने सीट मिल गई, मैं कितना खुशकिस्मत हूँ, और वो भी घुन्नी बनी हुई मुकम्मल फ्री हो रही हैं, सारे काम करवाए पूरे रास्ते, ये पानी ले आओ खाना ले आओ, इन्हीं के खर्चे पर तबीयत से उन्होंने भी नचोड़ लिया इनको।
कहते हैं जब हम मुल्तान पहुंचे तो मैंने पूछा कि आप जा कहाँ रही हैं। इन्होंने कहा सरगोधा मेरे नवासी की शादी है, सरगोधा में मेरी नवासी की। उसके बाद से पानी का पूछना बुरके का ये मतलब है, बुरके में नहीं पता होता भाई, तो इसलिए लोग रिस्क भी नहीं लेते यार, अंदर से कोई जूता ना आ जाए, कुछ थप्पड़ ना आ जाए। तो मज़हब ने जो पाबंदियाँ लगाई हैं ठीक है, वो टेंशन है, लेकिन उसमें आपका फ़ायदा है। और वो जो खातून समझ रही होंगी कि मैं इस आदमी का नंबर लेके मैं बड़ी हंसी खुशी ज़िंदगी गुजारूंगा, ऐसा नहीं है। उस आदमी को पता होगा कि जो औरत अपने शोहर की नहीं बन सकी वो मेरी भी नहीं बनेगी, वो भी टाइम पास है। तो टाइम पास करने के लिए इश्क मुआशके के दावे करेगा, जहाँ आपका हुसन थोड़ा सा ढलका वो टिश्यू पेपर जैसे इस्तेमाल से पहले बड़ा खूबसूरत और इस्तेमाल के बाद कहाँ फेंका जाता है, डस्टबिन में। डस्टबिन में फेंकेगा वो आपको। इनकी भी ज़िंदगी तबाह हो रही है, उस आदमी की भी ज़िंदगी तबाह हो रही है, एक बेपर्दगी और गैर ज़रूरी आज़ादी की वजह से, गैर ज़रूरी आज़ादी। तो इतने ब्रॉड माइंडेड मेरे भाई बनने की चंदा ज़रूरत नहीं, थोड़ा सा लिमिट में रहा करो अपना। देखो लिखा होता ना लिमिटेड कंपनी हो गया आगे वो उनकी भी कोई लिमिट है, तो बिल्कुल आज़ादी ठीक नहीं है। और अब्बा जो पाबंदियाँ लगाते हैं उन पाबंदियों को दिलो जान से कबूल किया करो, इसमें बहुत ज़्यादा फ़ायदे। मेरे घर में अगर मेरे ऊपर बहुत सारी पाबंदियाँ न लगती तो आज मैं यहाँ मेंबर पे नहीं बैठा होता। मेरा अब्बा अगर मुझे कहते जा यार तेरी लाइफ है इंजॉय कर, उस वक्त मैं कहता मेरे अब्बा बहुत अच्छे हैं यार। मुझे तो याद है हम तो दर्जनों दफ़ा पिटे हैं अब्बा से। एक दिन खेलते कूदते रात को लेट आए, अब्बा ने तबीयत से धूं दिया कि ये कोई टाइम है आने का। उस वक्त तो बहुत गुस्सा आया कि यार हमले के अब्बा ही कूट रहे हैं पीट रहे हैं, बाकियों के अब्बा तो कुछ नहीं कहते हमें। अब्बा ने कहा ये कोई टाइम है आने का भाई घर में, तुम्हें कितनी दफ़ा कहा इतने बजे घर आ जाया करो, ये कोई टाइम है आने का। लेकिन अब्बा अगर ना कूटते पीटते मेरे भाई तो आज हम यहाँ मिंबर पे नहीं बैठे होते, हम कहीं छुट्टा मुट्टा लगा रहे होते किसी के साथ बैठ कर, ऐसा ही हो रहा होता। तो ये तो बाप के अच्छा होने की अलामत है कि उसको आपकी फिक्र है, वो चाहता है कि देखो बाप की आदत। किसी बस एक छोटी सी बात करता हूँ, किसी ने कहा कि दोस्त ये चाहता है कि आप उससे नीचे रहें हमेशा। दोस्त क्या चाहता है, आप उसके बराबर भी ना आए, वो हसद का शिकार हो जाए। तो कह रहे आप तरक्की करें मगर इतनी नहीं कि मेरे बराबर आ जाएं, थोड़ा सा मुझसे नीचे रहें। भाई ये चाहता है कि आप उसके बराबर आ जाएं, इल्ला ये कि कोई बड़ा ही खानदानी भाई हो। नॉर्मल ऐसा होता है कि आप उसके बराबर आ जाएं, उससे आगे निकलेंगे तो उसको हसद शुरू होने का खतरा होता है। बाप ये चाहता है कि ये मुझसे दो कदम आगे जाए। समझते नहीं हो बात को, तो इसलिए अब्बा की जो डांट डपट क्यों ये क्या कर रहा है तमीज़ नहीं है, इनको बर्दाश्त किया करो, इससे आप ये चीज़ें आप, और अल्लाह भी तो मदद करेगा ना, अल्लाह कहेगा बाप की बर्दाश्त करता है तो उसकी भी मदद शामिल हाल होगी। कल किसी ने मुझे कहा कि वो डिप्टी कमिश्नर आपसे मिलना चाहते हैं, मुझसे ना, हमारे घर के सामने गटर बह रहा है कई दिनों से, गटर बह रहा है काला काला पानी के चश्मे। अभी मैं कुमराट से आया हूँ, इतने खूबसूरत चंद एक दो हफ्ते पहले ना, इतने खूबसूरत चश्मे, तो यहाँ आते ही मैंने देखा हमारे घर के बाहर चश्मे बह रहे हैं तो मैंने मुझे बताया भाई डिप्टी कमिश्नर, तो मैंने कहा गटर के ऊपर मेज़ रखो, चारों तरफ कुर्सियाँ रखो, यहीं मीटिंग होगी, यहीं पर मीटिंग होगी। वो जब उनको बदबू आएगी तो मैं कहूँगा भाई हम भी क्या हैं, इंसान के बच्चे हैं जैसे आपको आ रही हमें भी आ रही। तो अब तो मैं सोच रहा हूँ जो भी कोई हुकूमती अहलकार मिलने के लिए आए गटर के ढक्कन पे मीटिंग होगी हमारी, गटरों के ढक्कन पे, कचरे के ढेर पे। हम जितने यहाँ, ये देखो ये प्लॉट क्या हशर बनाया हुआ यार, कुत्ते बढ़ाले हुए इसमें मरे हुए, और कुत्ते इतने भाई, वो साहब कहाँ गए, इतने कुत्ते फैल गए हैं, उनको मारने पर पाबंदी है, हर दूसरे दिन मोटरसाइकिल वाले कुत्तों से टकरा टकरा के टांगे तोड़ रहे हैं। कल अभी कई हफ्तों से आ रहे थे यहाँ, आज इत्तेफाक से नहीं आए, टांग टूटी हुई है उनकी, बेचारे चेयर पे बैठ के नमाज पढ़ रहे हैं, बयान सुन रहे हैं, वो भी कुत्ते से टकरा के टांग टूटी है उनकी, कोई पूछने वाला बोलो नहीं है, इतने कुत्ते। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मदीना में जब कुत्ते ज्यादा हुए तो मारने का हुक्म दिया, इनको कत्ल करो, क्योंकि कुत्ते जब किसी आबादी में पलते हैं तो इनकी नस्ल को इंसान कंट्रोल ना करे तो ये फैल जाते हैं, ये दुनिया का तयशुदा उसूल है। गोरे तो देखो अपनी हिसाब से कुत्ते से ब्रीडिंग लेते हैं ना, हमारे यहां कुत्ता खुद मुख्तार है
وہ خود ہی پیدا ہو رہے ہیں, خود ہی پل رہے ہیں, تو وہ پھر اپنی نسل کو اپنے حساب سے بڑھا رہے ہیں. اتنے زیادہ ہو گئے ہیں. کل میں جاگنگ کر رہا تھا, پارک بند تھا تو ہم نے کہا چل روڈ پہ ہی, تو میں جاگنگ کرتے کرتے روڈ پہ جا رہا ہوں, آگے کتوں کی پورا غول نظر آیا, ہر عمر کے کتے, بالکل ایک بڑی فیملی ہوتی ہے نا, جیسے بہوئیں بھی, داماد بھی, پوتے بھی, نواسے بھی, اور پوری ان کی فوج. میں وہیں سے ٹن مارا ہے, میں نے وہیں سے ٹن مارا ہے, افورڈ نہیں کر سکتا. یہ کس کی نااہلی ہے؟ یہ حکومت کی نااہلی ہے. تو بھنگی خانہ بنایا ہوا ہے کراچی کو, کچرا خانہ بنایا ہوا ہے. تو اب میں سوچ رہا ہوں کوئی بھی حکومتی اہلکار ملاقات کرنے کے لیے آئے گا, کتوں کے بیچ میں میٹنگ ہوگی کہ وہ غول ہے وہاں پہ, پوری کانفرنس ہو رہی ہے, ان کو بھی شریک کرو. اور پھر جو ہے یہ, یا کچرے کے ڈھیر پہ ہو یا گٹر کے ڈھکن پہ, ان تینوں کے. بھائی وہ ولید کہاں ہیں؟ جب بھی کوئی آئے نا جو ذمہ دار بھی ہو ان حالات کا, ایسا نہ ہو کوئی ایسا آفسر آ رہا ہے جس کا گٹر کے ڈھکن سے کوئی تعلق ہی نہیں ہے, بےچارا کہے گا میرا کیا بھائی, مجھے کیا, پاسپورٹ آفس کا کوئی آفیسر آ رہا ہے تو اس کا گٹر کے ڈھکن سے کیا تعلق. یعنی حکومتی اہلکار جو اس کا ذمہ دار بھی ہو, تو آئندہ میٹنگ جب بھی ہوگی ان لوگوں سے کچرے کے ڈھیر پہ ہوگی یا گٹر کے ڈھکن پہ یا کتوں کے بیچ میں ہوگی, یہ ہمارا فیصلہ ہے, ورنہ نہیں آؤ جاؤ. تو تین کاموں میں سے ایک کام ہوگا. خیر تو ایک مہینے کے لیے بھائی یہ ان کو ادھار دے دو, ہمارا مسئلہ یہ نہیں ہے. ورنہ کنٹری میں ہمارے اللہ نے جو کچھ دیا ہے ہم اللہ کا شکر ادا کرو, تبھی اس سے کھا رہے ہیں. بہت صحیح چیزوں میں شراب کی آزادی نہیں ہے, چھپ چھپا کے لوگ پیتے ہیں, ایئرپورٹوں پہ آپ کو کھلے عام شراب نظر نہیں آئے گی, زنا کی کھلے عام آزادی نہیں ہے, ٹھیک ہے لوگ کرنے والے کر رہے ہیں, ایسا کھلے عام الحمدللہ نہیں ہے. تو ڈاکٹر ذاکر نائک کتنی پابندیوں میں جکڑے ہوئے ہیں, جب سے انڈیا سے نکلے ان کا کام تقریباً بند ہوا ہوا ہے. میں دعوے سے کہہ سکتا ہوں اگر وہ پاکستان آتے آج ہزاروں لوگ ان کے ہاتھ پہ اسلام قبول کر رہے ہوتے, اتنے کھل کے وہ کام کر رہے ہوتے, اتنا کھل کے. یہاں مذہبی آزادی ہے, دیکھو ہم ممبر پہ بیٹھ کے بات کر رہے ہیں, کسی اور ملک میں کر سکتے ہیں؟ کسی عرب کنٹری میں کر سکتے ہیں یہ بات؟ وہاں تو بھائی لفافہ آپ کو ملے گا, پرچہ ملے گا, یہ پڑھ کے سنا دو اور تبھی پتلی گلی سے بولو نکل لو, سناؤ نکلو پتلی گلی سے. ٹھیک ہے اس آزادی کا لوگوں نے ناجائز فائدہ بھی اٹھایا ہے, مگر جائز فائدہ بھی تو اٹھایا جا رہا ہے نا. تو خیر جلدی سے بات کو میں سمیٹ کے ختم کرتا ہوں. دیکھو انسان بنیادی طور پر پابندی, ہاں ڈاکٹر ذاکر نائک کے بارے میں یہ کہا جا سکتا ہے کہ سیکیورٹی کے لحاظ سے یہاں مسائل بہت ہیں, ٹارگٹ کلنگ, موبائل اسنیچنگ, یہ سب چیزیں ہو رہی ہیں. ایک ہفتے میں ہمارے جاننے والے تین بندوں کے گولیاں لگی ہیں, ایک شہید ہو گئے اور دو ٹانگیں توڑوا کے بیٹھے ہوئے بےچارے, میرے اپنے بہت قریبی ریلیٹیوز, جن میں ایک تو آن دا اسپاٹ شہید ہو گئے, یہاں گولی ماری ڈاکوؤں نے, بیوی کے سامنے اب شوہر گرا ہے نیچے بےچارہ, جوان آدمی. اور دو, ایک تو میرے قریبی دوست تھے, ان سے میں ملاقات کر کے گھر آیا ہوں, پتہ چلا ان کو گولی مار دی, میں حیران ہوا, فون کیا, پتہ چلا جی انہوں نے پرس دیا بھی اس کے باوجود ڈاکوؤں نے گولی ماری, ایک دونوں ٹانگوں پہ پڑے ہوئے, ایک مہینہ ڈیڑھ مہینہ ہو گیا وہ بھی. تو ان حالات یہ بھی ڈاکوؤں کو بھی کیا ہے؟ آزادی ہے. تو یہ اگر ہمارے یہ ملک کا فالٹ نہیں ہے, ہمارے حکمران تھوڑی سی سیٹنگ کر لیں, تھوڑی سی خود خدا کا خوف کر لیں, تو یہ چیزیں بہت آرام سے ختم ہو سکتی ہیں. مگر وہ بے حسی کی چادر اوڑھ کے سو رہے ہیں, بے حسی کی. اور اللہ نے چاہا انشاءاللہ الٹے لٹکے ہوئے ہوں گے, ان کو چھوڑنا نہیں ہے قیامت کے دن. تبلیغ والے تو کہتے ہیں سب کے لیے اچھا سوچو, دعا کرو. وہ جب رشیا کا جہاد ہوا تھا نا, گورباچوف تھا اس وقت, اس نے 16 لاکھ افغانی شہید کر دیے تھے. تو ایک تبلیغ والوں کے دل میں تو بیچاروں کے دل میں ایک رحمت کا جذبہ ہوتا ہے, تو وہ بیان کر رہے تھے بھائی ہم تو گورباچوف کے لیے بھی دعا کرتے ہیں, اللہ اسے ہدایت دے. ایک پٹھان بیٹھا ہوا تھا, اس نے کہا گورباچوف ملے تو صحیح, مجھے قیامت کے دن نہیں چھوڑوں گا, گورباچوف مجھے قیامت کے دن ملے تو صحیح, اللہ نے بخشش کر بھی دی پکڑوں گا اس کو. ابے پہلے میرے کو تو حساب دے, جو 16 لاکھ بندے ہمارے ملک کے تو نے مارے ہیں اس کا تو حساب دے. تو ایک اسٹائل یہ بھی ہے. تو یہ جو حکمران جنہوں نے پاکستان کا یہ حال کیا, خصوصاً کراچی کا, میرے بھائی ان کو, ان کے لیے ہم لیلۃ القدر میں اٹھ کے, فی الحال میرا دعاؤں کا کوئی پروگرام نہیں ہے, اتنے تپے ہوئے ہیں ہم, یہ ملیں تو صحیح ہمیں آخر. دنیا میں تو ہم کچھ نہیں بگاڑ سکتے بھائی, دنیا میں زیادہ سے زیادہ گٹر کے ڈھکن پہ بٹھا دیں گے ان کو, بھائی یہی میٹنگ ہو سکتی ہے, اس سے زیادہ ہم کیا کر سکتے. ہمارے تو ہاتھ پاؤں ٹوٹے ہوئے ہیں نا, ہم تو رعایا ہیں, ہم کوئی حاکم تھوڑی ہیں. قیامت کے دن میرے بھائی
जितने लोग यहां हैं एक को भी नहीं छोड़ना, वरना अल्लाह से कहेंगे अल्लाह फिर क़यामत कायम क्यों की तूने? अगर हमारी हमारे जो इंतकाम की आग आज भी ठंडी नहीं करनी थी तो अल्लाह फिर इस क़यामत का फायदा क्या है? तो हम तो इंतकाम लेंगे इंशाल्लाह इन लोगों से। और इनको पता नहीं कितने लोगों की बद्दुआएं लग रही हैं, जिस जो भुगतता है ना, जिन दिनों में हमारे दोस्त की टांग दोनों टांगें जख्मी हुई हैं, बिल्कुल यंग, मैं पटेल हॉस्पिटल गया हूँ आयादत के लिए, चार खवातीन बुरके में बैठी हुई, मुझे देख के पहचान लिया, उन्होंने रोती भी आई मेरे पास, हमारे जवान भाई को मुफ्ती साहब डाकुओं ने गोली मार दी है, एमरजेंसी वार्ड में है, आप दुआ करें अल्लाह उसको ज़िंदगी दे। बाप बताओ यार ये क्या इंसानियत है भाई। कई कई औरतों का एक वाहिद कफील चंद टकों की खातिर गोलियां मार के जा रहे हैं, कोई पूछने वाला नहीं है। लेकिन आप बड़े उन्हीं चोरों को बार बार दोगे जो चोर आपको दर्जनों दफा डस चुके हैं। ये आपकी जिम्मेदारी है, सबसे पहले ये ट्रेस करो कि इन हालात का जिम्मेदार कौन है, कराची का बेड़ा कौन गर्क कर रहा है, समझ रहे हो? पहले आप तहकीक करके ये अंदाजा लगाओ, ऐसा ना हो बेड़ा गर्क कोई और कर रहा हो और प्रोपेगेंडा किसी और के खिलाफ। ये सियासत में ये बहुत होता है, बर्बाद कोई और कर रहा होता है, बददुआएं किसी और को जाके लग रही होती हैं। तो पहले आप ये नहीं, मैं यहां नहीं बयान करूंगा क्योंकि मैं यहां सियासी बातें करने के लिए नहीं बैठा कि कौन जिम्मेदार है कौन जिम्मेदार है, ये मैं छाव में भी नहीं बताऊंगा आपको, एक प्रोपेगेंडा हो जाएगा। आपको अल्लाह ने शूर दिया, अकल दिया है, ये खुद आपने ट्रेस करना है कि इन हालात का ये किस, देखो जिम्मेदार वो होता है जिसके पास ताकत है। तो किसके पास पावर है, किसके पास ताकत है, सफाई का निगरान कौन है, मुल्क शहर में अमन व अमान कायम करने का जिम्मेदार कौन है? तो इन लोगों को हाईलाइट करना चाहिए, और फिर इन लोगों को यूट्यूब पे और फेसबुक पे भी हाईलाइट करना चाहिए कि ये है जिम्मेदार। उस दिन क्या हुआ, कुछ महकमा सफाई वाले आ गए, मुझसे इंटरव्यू लिया, बड़े होशियार थे, सामने सब सफाई करवा दी ना उन्होंने, फिर मुझसे इंटरव्यू लिया, देखें कि इलाके में कैसी सफाई है। मैंने देखा सामने से कचरा उड़ गया, इधर से ओझड़ियाँ भी उड़ गई, मैं बड़ा खुश हुआ, मैंने कहा माशाल्लाह इन लोगों ने बड़ी अच्छी सफाई की हमारे इलाके में। जैसे ही वो गए मैं आगे गया, इतने बड़े बड़े, अब देखो सियासत देखो यार, बयान भी मेरा रिकॉर्ड करवा लिया सामने से, वो अजीब किस्म के ड्रामा चल रहा है भाई मार्केट में। तो मैं ये कर रहा जल्दी बात को